प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म और SN2 क्रिया विधि। सबसे पहले SN1 और SN2 का पूरा नाम जानते हैं। वन बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू होगा, यहाँ अभिक्रिया की कोट एक होगी और यह अभिक्रिया की कोट दो होगी। यस मतलब सब्स्टिट्यूएट, जिसे प्रतिस्थापित करते हैं। यन का मतलब न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिसे हिंदी में एकार्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन और इसे द्वि आर्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन कहते हैं। इंग्लिश में यूनि मालिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएट कहते हैं, इसे बाई मालिक्यूल न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएट कहते हैं। हम सबसे पहले SN1 के बारे में जानते हैं। अगर ए और बी मिलकर के सी बनाता है, दोनों मिलकर सी बना रहे हैं, अगर ए और बी में किसी एक सांद्रता के परिवर्तन से सी बना है, आप पढ़ चुके हैं वेग बराबर के लिखा जाता है, अभिकारक की सांद्रता पद के घात लिखे जाते हैं। अगर ए के सांद्रता पद का घात जीरो है तो हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल बी का ही होगा। अगर एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई, यही बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जीरो घात है या एक घात के निर्भर करता है, तो एक आएगा, यदि यह अभिक्रिया की कोट केवल बी के परिवर्तन से हो रहा है तो यह जो होगा SN1 होगा, चूंकि प्रतिस्थापित होगा। आगे हम पढ़ेंगे द्वितीय कोट में यह दोनों पे निर्भर करेगा, एक इस पे घात पे, एक इस पे घात पे, तो 1+1 ये 2 हो जाएगा। यही हमारा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं SN1 और SN2 के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए SN1 जो होता है दो चरणों में पूरा होता है, दो चरण लगेंगे, जबकि यह एक चरण में पूरा होता है। दूसरा जो है ये अभिक्रिया की कोटि जो होगी इसका एक होगा, अभिक्रिया की कोट एक होगा, इसका अभिक्रिया की कोट क्या होगी, दो होगा। ये हमारा हो गया वन, अभिक्रिया की कोट एक, अभिक्रिया की कोट दो होगा। इसमें तीसरा मुख्य चीज, इसमें आयन बनेंगे, पहले आयन होते हैं, पहले यौगिक में आयन को तोड़ा जाता है, न्यूक्लियोफाइल बनाया जाता है, उसके बाद से तब ये रिएक्शन कराया जाता है। आगे इसमें जो होगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें आयन ऑलरेडी पहले से रहता है, आयन पहले से उपस्थित रहता है। अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में मैग्नीशियम कैसे होता है। हमारे पास OH- आयन है या एक न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक है, रिजेंट है, यह रिएक्शन करना चाहता है CH3Cl के साथ। होता क्या है इसको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। OH- है, यह आक्रमण करेगा C पर, H लिख दें और इधर Cl लिख दें। यह न्यूक्लियोफाइल पीछे से या सामने से अटैक करता है जहाँ न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी पहले से जुड़ा रहता है। जैसे ये पीछे से जब ये आएगा तो पहले से मौजूद कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु इनको जगह प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे ये आएंगे आक्रमण करेगा ये अपना स्थान चेंज कर देते हैं, यानी इनको जगह देंगे। इसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण अपनी जगह को फैला देते हैं जिससे आक्रमण कर सके, और पीछे से जैसे जैसे अटैक करेगा, जैसे जैसे
हाइड्रॉक्सी आयन यानी न्यूक्लियोफाइल या कार्बन पे अटैक करेगा, वैसे वैसे इनके इनके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी। समझिएगा इस बात को। अब एक अवस्था ऐसी आएगी, इन चीज को हम यहां बना रहे हैं ऐसी, एक संक्रमण अवस्था बनेगा। देखिएगा, यह हमारे डॉट लाइन है जहां OH माइनस आयन जुड़ेगा और उसी सामने से Cl माइनस आयन यहां टूटने के कगार पे होगा। यह तीनों एक प्लेन में हो जाएंगे, H, H और H। यह हमारा एक संक्रमण अवस्था होता है। और आगे क्या होगा इसके लिए देखिएगा, इससे यह बना, उसके बाद यह बनेगा। जब यह जैसे जैसे OH माइनस आयन पीछे से कार्बन पे अटैक करेगा, वैसे वैसे आगे से कार्बन और क्लोरीन के बंध टूटते जाएंगे। साइमल्टेनियसली होगा, ज्यों का त्यों होगा। यह अटैक करेगा, टूटेगा, अटैक करेगा, टूटेगा, जुड़ता हुआ चला जाएगा, टूटता हुआ चला जाएगा। एक समय आएगा ये जुड़ जाएगा, यह टूट गया होगा और होगा अगला अवस्था, यह सी OH पूर्ण रूप से यहां जुड़ गया होगा और H हमारे वही है, H वही है, H वही है, प्लस यह बनाएगा हमारा Cl माइनस। तो यह जो होगा SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें कोई भी मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता है, एक संक्रमण या उत्तेजित अवस्था बनता है। यह अवस्था एक संक्रमित करता है, उत्तेजित करता है, जैसे जैसे जुड़ेगा ये साइमल्टेनियसली होता है। ये पीछे से जुड़ता है, आगे से निकलता हुआ चला जाता है। जब ये पूर्ण रूप से जुड़ जाता है तो ये पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब इनकी क्रियाशीलता के बारे में हम सबसे पहले जान लें। अगर जितना ही छोटा यह ग्रुप कार्बन से लगा होगा उतना ही अधिक आसानी से अटैक करेगा और उतना ही आसानी से यह उत्पाद बनाएगा। इस बात को समझिएगा, अगर यह पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा कि यह अटैक करेगा, किसको रोकेगा, तो यह इस पे जुड़ नहीं पाएगा। अगर यह अटैकिंग वाला कमजोर होगा या जो इसको जगह देता है, अगर यह ज्यादा पावरफुल होगा तो इसको अटैक नहीं करने देगा, तो यह उत्पाद नहीं बनेगा। अगर यह कमजोर है या इसको हटा देगा और आसानी से अटैक कर लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको समझिएगा आगे। अगर हमारे पास सी है, सी है, इधर सी एच थ्री लगा है, एच लगा है, एच लगा है, सी एल है, ओ माइनस इससे जुड़ना चाहता है, दूसरा है ओ एच माइनस है, यहाँ सी एच थ्री है, सी एच थ्री है और एच है, सी एल जुड़ना चाहता है, और तीसरा है ओ एच माइनस है, यह जुड़ना चाहता है सी एच थ्री, सी एच थ्री है, सी एच थ्री है, यहाँ सी एल है, और आगे है एक और ओ एच माइनस है, यह जुड़ना चाहता है एच है, एच है, एच और सी एल है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि इसमें फास्ट रिएक्शन होगा, कौन तीव्रता से रिएक्शन करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, या OH माइनस जाएगा जुड़ने, या तो दोनों कमजोर है, एक शक्तिशाली है, तो इससे ज्यादा लड़ाई करेगा, ज्यादा झगड़ा करेगा, ज्यादा पहले तो इससे लड़ेगा, तब जाकर के इसको हराने के बाद ये इस पे जुड़ेगा। तो यहाँ इसको एक लोगों से लड़ना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ इसके साथ ये दो लोग लड़ने वाले हैं, तो ये दो लोगों से लड़ेगा क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं हाइड्रोजन की तुलना में। कमजोर यहाँ एक है, कमजोर यहाँ दो है। यहां देखेंगे तो यहां तीन लोग पावरफुल हैं। इन तीन लोगों से टक्कर लेने के बाद अगर जीतेगा तब उत्पाद बनाएगा। यहां देखेंगे यहां सबसे कमजोर लोग हैं, मात्र तीन लोग हैं लेकिन बहुत दुर्बल इन दोनों के तुलना में। यहां तो बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं है, तुरंत यहां अटैक करके उत्पाद बना देगा। तो हम देख रहे हैं कार्बन पे जितना ही छोटा ग्रुप लगा रहेगा उतना ही आसानी से यह संयंत्र अभिक्रिया शीघ्रता से करता है, जितना ही बड़ा ग्रुप लगा रहेगा उतना ही उत्पाद कम बनेंगे, बहुत कठिनाई से बनते हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ सबसे शक्तिशाली मेथिल समूह हुआ। तो हम इसको लिख लें आगे यहाँ पर CH3 समूह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ एक ही मेथिल ग्रुप है, यहाँ दो कमजोर लोग हैं जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। उसके बाद यहाँ दो लोग हैं जिसे हम सेकेंडरी कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर टर्टियरी है, तो टर्टियरी यानी सबसे कठिनाई से SN2 जो होगा टर्टियरी पे होगा और सबसे आसानी से मेथिल समूह में होगा। इस बात को आप समझिएगा। अब आगे हम बताते हैं SN1 के बारे में। इसमें देखिएगा SN2 जो मैग्नीजम होता है या न्यूक्लियोफाइल और अभिकारक दोनों के अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी वेग बराबर के आप यन का मतलब न्यूक्लियोफाइल लिख दीजिए और रिएक्टेंट लिख दीजिए, दोनों पे निर्भर करता है। जबकि ये केवल आप पढ़े होंगे वेग बराबर के, यह जो होता है केवल अभिकारक निर्भर करता है, न्यूक्लियोफाइल पे निर्भर करता है। आगे देखेंगे SN1 के बारे में। आगे देखेंगे SN1 के बारे में, जैसा एक समीकरण दिया हुआ है यानी OH है, यह रिएक्शन करता है CH3Cl के साथ तो क्या बनाएगा, यह SN2 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म है। सबसे पहले हमने आपको बताया था SN1 जो होता है दो चरणों में संपन्न होता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा यानी फर्स्ट स्टेप में हमारा आयन बनेगा या हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा यानी नाभिक रागी होगा, यही आक्रमण करेगा अभिकारक पर, यही अभिकर्मक है। इस अभिकर्मक को लेंगे यानी OH को लेते हैं और यहाँ से आयन बनाएंगे। जैसा कि जानते हैं यानी प्लस देगा और OH माइनस देगा, यह हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यही न्यूक्लियोफाइल आक्रमणकारी अभिकारक पर आक्रमण करता है। एक बात यहाँ ध्यान देंगे, न्यूक्लियोफाइल में जो यहाँ पे नाभिक रागी लिया गया है, न्यूक्लियर एजेंट लिया गया, अभिकर्मक लिया गया है, इसकी सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, केवल अभिकारक की सांद्रता पर पे निर्भर करता है, क्योंकि यह प्रथम कोट की अभिक्रिया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेग बराबर के OH माइनस आयन पर जीरो पावर और CH3Cl, यानी इस पे जीरो का मान एक हो जाएगा, केवल इस पर निर्भर करेगा जितना अधिक रहेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना ही आसानी से SN1 अभिक्रिया होगी। आप देखेंगे यह क्या करेगा, इसके अटैक एक साथ जुड़ जाएंगे, यहाँ Cl विस्थापित हो जाएगा तो बनाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस, यह Cl माइनस यहाँ से ऑलरेडी मौजूद जो यानि प्लस है इसके साथ बाहर हो जाता है, बनाता है यानि Cl। तो आप यहाँ लिख सकते हैं CH3OH प्लस यानि Cl, ये हमारा मुख्य उत्पाद हुआ। यह दो चरणों में संपन्न हुआ है, पहले में आयन बनता है, हम जानते हैं अभिक्रिया की कोट जो सबसे धीमी गति से होती है इस पर निर्भर करता है, इसलिए केवल यह मेथिल क्लोराइड पर निर्भर करेगा। अब आगे देखेंगे इसकी क्रियाशीलता के बारे में। यहाँ पे अगर CH3 यहाँ Cl है, अगर आप रिएक्शन कराएंगे यानी OH के साथ, यह एक रिएक्शन है। आगे देखते हैं इसको अगले के बारे में। आगे दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है यानी OH प्लस CH3CH3Cl है। अगला दिया है यानी OH प्लस CH3 है
सी है यच है, यच है सी एल है। अगला जो दिया है यानी ओ एच है प्लस सी एच थ्री है ओ एच है, तो इसको हम यच लगा दें, यच लगा दें, यच लगा दें, इसको हटा सकते हैं। इसको और साफ से लिखें यच सी यच यच ऐसे। हम देख रहे हैं कि यह रिजेंट जो होगा सबसे तीव्रता से किस पे रिएक्शन करेगा, तो हमने आपको बताया है यह नाभिकराही केवल प्रथम कोट के क्रिया पे निर्भर करता है, केवल अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है। कितना आप नाभिकरागी लिए हैं, कितना आप हाइड्रॉक्सी आयन सांद्रता लिए, इससे निर्भर नहीं करता है, केवल इस पे निर्भर करेगा। तो जितना ज्यादा ये बड़ा ग्रुप रहेगा, जितना ही ज्यादा एल्किल ग्रुप रहेगा, उतना ही आसानी से क्रिया करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसके साथ तीन बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, इसके दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, इसके साथ एक बड़ा ग्रुप लगा है, जबकि इसके पास कोई बड़ा ग्रुप नहीं है। तो सबसे स्लो गति से रिएक्शन ये करेगा, सबसे कम उत्पाद बनाएगा, और सबसे फास्ट रिएक्शन ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, तब जाकर लास्ट में ये करेगा। तो हम जानते हैं यस एन वन का जो क्रियाशीलता का क्रम होता है, टर्टियरी सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद प्राइमरी होगा, और लास्ट में हमारा मेथिल समूह होगा। ये हमारा मेथिल समूह है। तो ये हमारा यस एन वन और यस एन टू मैकेनिज्म समाप्त हुआ। से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।